गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखो, कल हमने एक्स 1.3 के 5 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 उसमें कह रहा है इफ ए इक्वल टू लेट ए इक्वल्स टू 3, 6, 12 15, 18 and 21 और बी इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और 20 एंड सी इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 तो फाइंड फर्स्ट पार्ट में जो हमारे से पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट ए माइनस सी और थर्ड पार्ट हमारे पास सी माइनस ए। तो सॉल्यूशन तीन सेट दिया बेटा हमारे पास ए बी एंड सी, हमारे से पूछा जा रहा है फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस सी और सी माइनस ए। कहने का मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है हमारे को। तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं ए माइनस बी के ऊपर। ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट लिखने सबसे पहले हम 3, 6, 12, 15, 18 और 21 माइनस बी सेट, बी सेट के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 और 20। अब ए माइनस बी का मतलब क्या था बेटा, मैंने कहा था दैट टेक दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। हम ए सेट के वो एलिमेंट लेंगे जो बी सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है ए सेट के जो बी के अंदर नहीं है। देखो पहला एलिमेंट 3, फिर एलिमेंट 6, अच्छा 12 इस सेट के पास भी है तो इसके बाद इसको कर देंगे रिजेक्ट। अब एलिमेंट हमारा आएगा 15, उसके बाद 18 और उसके बाद 21 विच इज द रिक्वायर्ड सेट ऑफ ए माइनस बी। तो ये हमारा आंसर आएगा 3, 6, 15, 18 and 21। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारा करें सी माइनस ए, सबसे पहले सी के लिए लिखेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 माइनस ए 3, 6, 12, 15, 18 और 21 ठीक है। अब सी माइनस ए, अब सी माइनस ए का मतलब आई विल टेक दो एलिमेंट ऑफ सेट सी विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट बी ए। तो सी सेट के हम वो एलिमेंट ले लेंगे जो हमारे पास जो ए सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो देखो 2 इसके अंदर नहीं है तो 2 आ जाएगा, 4, 6 उसके बाद इसके जिसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद 8, 10, 14 and 16 तो ये हमारा आंसर आ गया सी माइनस ए आ गया था ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको ये बताया थे इस तरह के 2-3 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको ठीक है। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी और ई ठीक है, ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू एंड सेट बी डी ई एफ और जी, इसके अंदर चार एलिमेंट है डी ई एफ और जी, फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपका यूनियन अगर होता तो ये इसको नोट कर देता सिमेट्रिक डिफरेंस होता सर, लेकिन यहां पर यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन गिवन है तो हम इसको सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं बोल सकते ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन, देखो क्या कह रहे हैं ए सेट हमारे पास गिवन है, बी सेट गिवन है, हम आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी के अंदर पहले ए के एलिमेंट लिख रहे हैं हम यहाँ ए बी सी डी और ई माइनस डी
ई एफ और जी। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी में ए सेट के वो एलिमेंट ले लेंगे जो एलिमेंट बी सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो देखो ए बी सी, क्योंकि डी इसके पास भी है, इसके पास भी, ई इसके पास भी, इसके पास भी है, तो आंसर आ गया हमारा ए बी और सी ए माइनस बी के अंदर। एंड अब क्या करेंगे बी माइनस ए, अब बी माइनस ए तो पहले बी के एलिमेंट लिखा जाए यहां बी ई एफ और जी माइनस ए बी सी डी और ई। अब हम b माइनस ए सेट के अंदर b सेट के वो एलिमेंट उठा लेंगे जो एलिमेंट a सेट के अंदर लाइक नहीं कर रहे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है b सेट के अंदर जो a सेट के अंदर नहीं है, वो है f और g। तो हमारे पास एलिमेंट आ गए f ओवर g। नाउ अब हम निकाल रहे हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है a b सी इंटरसेक्शन एफ कोमा जी। तो देखो बड़े बड़े स्टेटमेंट को इरेज कर रहा, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू, देखो कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं, तो आंसर आ गया हमारे पास 5, इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ए इक्वल टू 1359 और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 378 और सी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 2348। तो वेरीफाई दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने ये प्रूव करा, तीन सेट के बनाए एबीसी और हमारे को वेरीफाई करना ये सॉल्यूशन। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले निकालेंगे B यूनियन C। अब B सेट के एलिमेंट है मेरे पास 378 यूनियन 2348। तो बड़े भाई ने कहा था यूनियन में हम दोनों सेट के कंबाइंड एलिमेंट्स कर लेंगे, तो 3 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 ×
2, 3, 4, 7 हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। नाउ अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए सेट के एलिमेंट है 1, 3, 5, 9, इंटरसेक्शन 2, 3, 4, 7, 8, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और इंटरसेक्शन का मतलब था दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है हम उन सेट के एलिमेंट्स को उठा लेंगे। अब इन दोनों सेट के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट कॉमन है, देखो 1 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, 3 इसके पास भी हो इसके पास भी, तो आंसर हमारे पास आ गया 3 बेटा। और कोई भी एलिमेंट दोनों सेट के अंदर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 3, इसको मान लो 1। अब हम चलते राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड हमारी कह रही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास 1, 3, 5, 9, इंटरसेक्शन बी 3, 7, 8। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी ओनली ऑन 3। एंड अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। अब ए की वैल्यू तुम्हारे पास है 1, 3, 5, 9, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। सी की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 4, 8। फिर से देखो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट कॉमन आया वो 3 आ गया। तो नाउ अब मैं कहूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके पास भी 3 है यूनियन इसके पास भी 3 है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आल्सो 3, इसको मान लिया मैंने 7। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम
1 and 2 we get from 1 and 2 we get A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C, hence proof. ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, तो ये कह रहे हैं एंड सी इक्वल टू 2, 6, 7, 10 एंड C इक्वल टू 2, 6, 7, और 10 देन वेरीफाई दैट मतलब इसका आपको फर्स्ट पार्ट बनाना होगा। देखना इसमें लिखा हुआ A माइनस B यूनियन C इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, बड़ा फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है। तो सॉल्यूशन देखो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी यूनियन सी। अब ए माइनस बी यूनियन सी सबसे पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। अब बी सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनियन 2, 6, 7, और 10 तो B यूनियन C हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 10 अब निकालेंगे A माइनस B यूनियन C। तो A सेट के जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6, 8, और 10 माइनस B यूनियन C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10। अब देखो फिर से हमको सिमेट्री डिफरेंस की बात हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे ए सेट को एलिमेंट ले लेंगे जो बी यून सी सेट में नहीं है। तो देखो 2 इसके पास है, 4 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, इवन 8 एलिमेंट इसके पास है उसके पास नहीं है, तो हमारी वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब सबसे पहले निकालेंगे ए माइनस बी। अब ए सेट के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 तो ए माइनस बी के अंदर ए की वैल्यू है, देखो 2 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, 8 एलिमेंट इसके पास है उसके पास नहीं, और 10 इसके पास है उसके पास नहीं है, तो इसके पास आगे 8, 10 एंड अब हम निकालेंगे ए माइनस सी। अब ए सेट के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 माइनस सी, सी सेट के एलिमेंट है हमारे पास 2, 6, 7, 10 2, 6, 7, 10 तो ए माइनस सी। ए सेट के एलिमेंट है तो सी के पास नहीं है 4 और 8 ठीक है, तो एक बार मैं इसको रेज कर दूं। नाउ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी 8, 10 माइनस 4, 8 ठीक है, ए माइनस बी
इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो बेटा ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, अब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लेंगे। हमें एट तो मैं कहूंगा फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ये प्रूफ हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का भी। तो हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ पे। सेम है फिफ्थ क्वेश्चन के, तो फिफ्थ पार्ट की तरह है।
आपको प्रूव कर रहे हैं क्योंकि मैंने कल इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपको करवा दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम
intersect with the A set, intersection B comma 0. A set B है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, तो साथ में ये वाला फंक्शन, ठीक है? इंटरसेक्शन B का मतलब B सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, ठीक है? अब ये A का कॉम्प्लीमेंट हो गया, B का कॉम्प्लीमेंट 12 लग गया, तो A कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट ये होगा B का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या रहेगा ये वाला, ठीक है? तो इसका भी जो कॉम्प्लीमेंट हो गया वो मेरा क्या हो गया ये वाला क्वेश्चन, A सेट का कॉम्प्लीमेंट ये, B सेट का कॉम्प्लीमेंट ये, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मेरा क्वेश्चन हो गया ये वाला, A कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन हो गया का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? थोड़ा इसका फ्रंट पार्ट आपको कर रहे हैं, अदर फ्रंट पार्ट आपको करके देख लेना, ठीक है? तो आज के लिए बताइएगा क्वेश्चन होता है।